चीज तो गांव में नहीं, हमारे में आपस में दुश्मनी वाले, अब इलेक्शन हो गया सरपंच का, अब कोई मतलब नहीं हमारे में, वो सरपंच पे यहाँ सरपंच जिला पार्षद का इलेक्शन हुआ है, लेकिन कोई पार्टी वाल्टी का कोई गांव में नहीं है ऐसा। पार्टी उसकी वही नहीं कि उसने करवाई नहीं, वही नहीं, वो अपाहिज की वजह से बचपन में होगा था जी, बचपन का ही होगा था, 4-5 साल का था जब ही होगा था वो अपाहिज, तो मतलब वो परिवार को ही संभाल रहा था साथ में, बड़ा वही था जी। अच्छा अच्छा, दोनों इकट्ठे रहते थे। भाई सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शक ने दिनेश देशवाल की राम राम, नमस्ते भाई। हम आए बवानिया गांव में, बवानिया गांव में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो रहा है, और दो सगे भाई एक ही साथ, मतलब हम कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, अर्थी निकली है दोनों भाइयों की इकट्ठी, ऐसा हादसा, मतलब सारे गाँव की नम आँखें होगी, गाँव की क्या हमारी भी, और पूरा क्षेत्र ही, मतलब ऐसा हो गया कि भाई ये क्या हुआ हादसा, एकदम से भगवान ने क्या कर दिया, ऐसा हादसा दिखाएंगे आपको। बवानिया गाँव में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम, और अभी उनके बुजुर्ग बैठे हैं, मिलवाते हैं उनसे, कराते हैं बात आपकी, रूबरू कराते हैं, कैसे क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ देखना। राम राम जी सारे ने जी, ये क्या हादसा हुआ, कैसे क्या हुआ, दो बच्चों, दो लड़कों का बता रहे हैं कि एक साथ ही दुनिया से जाना, तो कैसे हुआ अंकल जी, थोड़ा बताओ। ऐसा ऐसा, मैं हूँ लड़कों को ताऊ जी। अच्छा, क्या नाम आपका? मेरा नाम है राम प्रसाद। अच्छा, आप कौन सा गांव आपका ये? मेरा गांव यही बवानिया है जी। ये बवानिया गांव की घटना है जी, दो भाई एक साथ इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में इनके ताऊ जी बताओगे, क्या क्या नाम थे उन भाइयों के? सर, छोटे का नाम देवेंद्र, बड़े का नाम प्रदीप। कितनी उम्र थी दोनों भाइयों की? एक के थी छोटे वाले की 34 साल करीब, और बड़े वाले करीब 40-41 करीब। 40-41 साल जी, मत एज, जवान एज थी बिल्कुल, दोनों भाई जवान थे, और परिवार पीछे एक भाई रह गया, परिवार में पीछे एक भाई रह गया। माँ बाप हैं जी? नहीं जी, माँ बाप भी नहीं। इतनी दुख में पूरा घर क्या, पूरा गांव दुखी है, मतलब से कि भगवान ने ये इनके साथ क्या किया जी, कैसे क्या हादसा हुआ बताओगे एक बार, पहले कौन सा गुजरा, कैसे? ऐसा हुआ सर कि छोटे वाला जो था शाम को खाना खा कर आराम सोया हुआ था, रात को करीब 1:30-2 बजे उसकी सांस लेने में तकलीफ हुई, तो उसको लेकर महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ एडमिट कर लिया, दवाई दिया। क्या काम धंधा कर रहा था भाई? वो कंडक्टर लगा था सब, अभी करीब 4 साल भी नहीं हुए होंगे, कंडक्टर लगा था वो। 4 साल पहले कंडक्टर लगा? नहीं, हाँ जी। और शादीशुदा? शादीशुदा एक लड़का है। एक लड़का, कितने साल का लड़का है? लड़का करीब होगा 7-8 साल का, 13 साल, 12-13 साल का एक लड़का है, और रोडवेज में था। हाँ जी, रोडवेज में कंडक्टर था। ताऊ जी ने हमारे को बताया कि रोडवेज में नौकरी करता था, अच्छा भला परिवार था, खुशी परिवार, बिल्कुल अच्छी तरह ऐसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था, बच्चा पढ़ रहा है। हाँ जी। और बताओ ताऊ, फिर आप यहाँ से उसको पता लगा तो कहाँ ले गए उसको? महेंद्रगढ़ ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, सरकारी में ले गए, सरकारी में। अच्छा, फिर वहाँ उन्होंने दवाई वगैरह दिया, तो खांसी से आई उसको, खांसी के साथ ही बस वो वही हॉस्पिटल में ही। हॉस्पिटल में ही। अच्छा, मतलब डॉक्टरों ने फिर क्या बताया? मतलब डॉक्टरों ने जब थोड़ी देर के बाद बताया करीब 5 बजे कि जिया तो हो लिया। अच्छा अच्छा, भगवान को प्यारा हो गया मतलब। अच्छा अच्छा, वहाँ से फोन कर दिया इन्होंने, वो प्लाट में था बड़ा भाई। तो उनसे पहले कहीं और भी डॉक्टर को दिखाया था यहाँ गाँव आस पास कहीं? सीधे वही ले गया? हाँ, वही ले गए सीधे, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। और डॉक्टरों ने वहाँ फिर आपके सामने चेकअप किया था? नहीं, मैं तो नहीं जा पाया। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बच्चे गए थे। अच्छा, क्योंकि उसकी घरवाली गई होगी साथ। हाँ, एज के हिसाब से मैं नहीं जा पाया। अच्छा, था आप जा नहीं पाए। हाँ। तो फिर वहाँ पता लग गया आपको, कितनी देर बाद पता लग गया वहाँ? करीब 5 बजे हमारे को पता लगा करीब। अच्छा अच्छा, शाम को? हाँ जी, तो सुबह जी, सुबह सुबह 5 बजे, सुबह रात को लेके गए थे? नहीं, सुबह ले गए करीब 1:30-2 बजे। हाँ, रात को 1:30-2 बजे यहाँ से लेके गए, और सुबह 5 बजे आपको पता लगा कि वो नहीं रहा। अच्छा, फिर उसके बड़े भाई ने सुन लिया, प्लाट में था, उसको फोन से बता दिया? फोन से। अच्छा, बड़े भाई को वहाँ से फोन पे बता दिया गया कि तेरा छोटा भाई एक्सपायर हो गया, उसकी खबर सुनते ही क्या हुआ? अच्छा, सजमा में हो गया, हार्ट फेल हुआ, और वो बस फिर बोल ही नहीं पाया। अच्छा, वहीं के वहीं रहेगा? वहीं का वहीं रहेगा, चारपाई पे। अकेला सोता था? अकेला सो रहा था, वहीं की वहीं वो चारपाई पे ही एक्सपायर हो गया। फिर उसको भी लेके गए कहीं? उसको ना, उसको डॉक्टर के पास नहीं ले गए सर। नहीं ले गए? नहीं। तो वैसे ही पता लग गया कि इसका वो अनमैरिड था। अच्छा, अनमैरिड था जी।
तो अंकल जी अब पीछे मतलब गुजारे के लिए क्या जमीन उमीन है क्या, मतलब कौन पालन पोषण कर रहे हैं उनके? गुजारे के लिए क्या है साहब, जमीन तो उनके पास तीनों भाइयों के पास 15 मरला जमीन है। अच्छा अच्छा अच्छा। 15 मरला में तो पशु बांध लो, मकान बना लो, रह लो। अब गुजारा जैसे भगवान चाहेगा वो होगा। अच्छा अच्छा। मतलब जमीन भी कम है और नौकरी पे भी था और चली गई, पालन पोषण कर रहा था। बड़ा दुखदाई गांव, पूरा गांव दुखदाई हो रहा है अंकल जी। आप मतलब हमारे पास शब्द भी नहीं गए, हम क्या कहें ऐसे मतलब घटना के बारे में, कुछ बोलने में भी हमें समर्थ हैं ये समझो, क्यों क्या तो पूछें क्या कहें। चलो आना तो हमारी मजबूरी था कि भाई बात ऐसी होगी गाँव में, तो कैसे हुआ ये पूछने के लिए आना पड़ रहा है कि एक ही साथ दोनों भाइयों का जाना। तो ताऊ जी फिर उसी टाइम उसको ले आए यहाँ पे, दोनों को इकट्ठा लेके निकले यहाँ से? इकट्ठा ले गए, आगे पीछे एक साथ, एक साथ गए, एक साथ संस्कार, मतलब संस्कार एक साथ, एक साथ एक चीज वहां से पोस्टमार्टम ऑफ कनर को आ गया है, जब दोनों साथ ही ले गए। हां जी, बहुत इकट्ठा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया दाह संस्कार में, बहुत ऐसे टाइम में तो बात भारी भीड़ हो जाती है। मतलब घटना ऐसी थी, सबको सुनने में आया अचानक ये क्या हुआ? पहला चांस है साहब ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब गांव में पहला चांस, पहला चांस है। तो बहुत भाई ये घटना है अपने यहाँ महेंद्रगढ़ जिले, महेंद्रगढ़ जिला पड़ता है इनका और ये गांव इनका है बवानिया गांव की घटना है, बड़ी दुखदाई घटना है। यहाँ एरिया में पूरा गांव इसी बात को लेकर बैठा है कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों भाई एक साथ मतलब निकले हैं यहाँ से, संस्कार जो होता है वो एक साथ हुआ अपने हिंदू धर्म में होता है जैसे रीति रिवाजों से। और अभी परिवार में और भी हैं, और कौन कौन है परिवार में, उनको पीछे कौन कौन? बीच वाला भाई है ये, बैठे जाओ। अच्छा, ये बीच वाला भाई। हाँ जी, राम राम भाई साहब। तो ये इनके भाई, कैमरा थोड़ा इधर करना, ये इनके बड़े बड़े भाई हुआ आप, बीच के भाई हुआ आप? अच्छा अच्छा, एक छोटा था एक बड़ा था। तो भाई आपकी शादी हो रखी है भाई? हाँ जी भाई। अच्छा अच्छा, तो भाई अब परिवार को आप ही संभालोगे? भाई संभालेगा और इकट्ठे रहते थे तीनों भाई? अलग अलग है। अच्छा, इसकी घरवाली और वो बहन बहन है? अच्छा अच्छा, अच्छा मतलब अलग अलग रहे थे? अलग अलग थे क्या? आजकल वैसे मतलब गांव में भाई बंटवारा कर दे परिवार ना, तो बात तो एक ही है अंकल, एक ही बात है भाई परिवार वैसे एक ही बात थी, एक वैसे बंटवारा वो कर रखा था। तो आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़को, एक लड़का है। अच्छा, एक आपसे छोटा था एक बड़ा था? हाँ। तो वो पता लगा जब फोन पे पता लगा भाई साहब को जो? हाँ, उन्हें बताई थी बड़ो भाई से, उन्हें फोन करियो। अच्छा, फोन रखते थे वो? हाँ, फोन। तो फिर आपने उसको किस टाइम संभाला कि भाई इसको हार्ट अटैक आ गया, किस टाइम पहुंचे? फोन करियो तो फिर वो पड़ोसी थे एक साथ को, उन्हें खैर बोल जा तो देख, बोल भाई तो ये मारे भाई से बड़ो रतन भाई, जो, तो जो रोडवेज में भाई था उसको डॉक्टरों से पूछा अपने, रिपोर्ट आई है अभी तक के क्या कैसे मेरे भाई के साथ ये हुआ? नहीं, रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट नहीं आई। वो तो कब की घटना है ये सारी? मंगलवार की, मंगलवार की है, सोमवार और मंगलवार के रात की। हाँ, तो उसके बाद डॉक्टरों से आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ अभी तक? नहीं। अच्छा, गए नहीं, मतलब जा नहीं पाए हॉस्पिटल में? चलो, अभी तो रिपोर्ट आने के बाद में पता लगेगा भाई को मतलब क्या दिक्कत थी छोटे वाले भाई को। तब तक भाई अपडेट बने रहिए, आप और भी अपडेट पूछेंगे इनसे, आपको बताते रहेंगे कि कैसे क्या क्या दिक्कत थी भाई को छोटे वाले को, जो उनका उनके साथ है दूसरा भी भाई, मतलब अपना प्यार इतना था दोनों भाइयों में, इसलिए तो मतलब सुनते उससे रहा नहीं गया, और वो भी उनके साथ ही इस दुनिया से अलविदा कह के चला गया। तो दिखाते हैं अभी परिवार की भी रिपोर्ट दिखाएंगे, परिवार से मिलवाते हैं। इसी के साथ भाई धन्यवाद, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।